बालाघाट जिले के धपेरा की हालत खराब होती जा रही है। यहाँ के वार्ड नंबर 20 कटी टोला में ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि लोगों की समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है, लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा। पीएचई विभाग के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और गाँव में हैंडपंप भी खराब पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस आंगनवाड़ी केंद्र में लगभग जब से बोरवेल हुआ और ये पानी टंकी लगी है और यहाँ मोटर लगी है, उस दिन से गंदा पानी आ रहा है। इसकी शिकायत कई बार विभाग को दे दी गई है। इस बार बारिश में यहाँ के पूरे बच्चे बीमार हुए थे, उस समय भी मैंने शिकायत की लेकिन उसका अब तक निराकरण नहीं हुआ है। विभाग द्वारा पिछले बार मई में भी विजिट हुई थी यहाँ के SDO साहब जो थे तिवारी जी, उनकी उन्होंने बोला कि हम 2-3 महीने में नया हैंडपम्प दे देंगे यदि हैंडपम्प नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन अब तक हैंडपम्प भी नहीं मिला है। पानी की समस्या है, पानी पूरा लाल आता है और एकदम गंदा पानी आता है, बच्चे पी नहीं सकते। कब से आ रहा है? वो तो 6 महीने 12 महीने हो गए ऐसे आता है। अच्छा।